हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर फिट फैक्ट्स। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीएमआई के बारे में। बीएमआई क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और WHO की बीएमआई क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और भी बहुत सारे बीएमआई फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई मेजरमेंट है पर्सन के बॉडी वेट का विद रिस्पेक्ट टू हिज हाइट। बेसिकली बीएमआई इंडिकेटर है पर्सन के टोटल बॉडी फैट का। सो ये इंडिकेट करता है इंडिविजुअल के हेल्थ रिस्क को। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बीएमआई को ओवरवेट और ओबेस लोगों को स्क्रीन करने के लिए यूज करते हैं और इंडिकेट करते हैं हेल्थ रिस्क जो कि ओबेसिटी और ओवरवेट से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप भी अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हो। WHO के अकॉर्डिंग 18.5 से 24.9 नॉर्मल बीएमआई होता है, और बिलो 18.5 अंडरवेट होते हैं, और 25.0 से 29.9 तक ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, और 30+ जो होते हैं ओबीस, और ये कंडीशन बहुत ही रिस्की है। इंटरनेट पे बहुत से बीएमआई कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, सो यू कैन चेक दोज लिंक्स। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बीएमआई हाई है या लो है तो कौन से हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। जिनका हाई बीएमआई है उनको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, सर्टेन कैंसर, गॉल ब्लैडर डिजीज, प्रीमैच्योर डेथ जैसे रिस्क हो सकते हैं। और जिनका लो बीएमआई है उनको अनीमिया, गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली, स्किन, हेयर, टीथ प्रॉब्लम्स, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, स्लो ग्रोथ, मेंटल इलनेस जैसे रिस्क हो सकते हैं। सो गाइस, अगर आप अंडरवेट, ओवरवेट और ओबेस की कैटेगरी में हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इन कंडीशंस को ठीक करने के बारे में और भी साइंस बेस्ड फिटनेस वीडियोस आपके लिए लाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू मिस्टर फिट फैक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि क्या बीएमआई सबके लिए एप्लीकेबल है। फॉर मोस्ट पीपल बीएमआई ओबेसिटी के बारे में बताता है और अमाउंट ऑफ मसल, बोन फैट एंड अदर टिश्यूज के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। सो बेसिकली बीएमआई थोड़ा आइडिया देता है कि आप किस कैटेगरी में हो और आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। आप इससे पूरी तरह बॉडी फैट के बारे में नहीं पता कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत मस्कुलर है और लीन है तब भी ओवरवेट कैटेगरी में आ सकता है, जबकि वो बहुत फिट है और हेल्दी होते हैं। सो ऐसे लोगों का बीएमआई स्कोर सेम आ सकता है किसी ओवरवेट इंसान से। सो बेसिकली बीएमआई इज जस्ट एन इंडिकेटर अबाउट बॉडी फैट। एक फैक्ट है कि वर्ल्ड वाइड एटलीस्ट 2.8 मिलियन पीपल हर साल ओवरवेट और ओबेसिटी से मरते हैं। सो गाइज, ये थी वीडियो बीएमआई के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मिस्टर फिट फैक्ट्स आपके लिए ऐसे ही साइंस बेस्ड फिटनेस वीडियोज और लाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।